फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस बार जो रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं हम, वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं? जीरो जो कोफिशेंट्स के बीच में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए. किसके लिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए. जो लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, वो किसके लिए पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. ठीक बेटा, आप ड्रॉ मत करो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ड्रॉ मत करो आप कुछ भी. ठीक, मैं समझा रहा हूँ ना, ऐसे फिर क्लास डिस्टर्ब होती है. देखो, सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? वो होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये जो बनाई है मैंने, क्या होगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये होती है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की. क्लियर? क्वाड्रेटिक के लिए क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. बट क्यूबिक के लिए क्या होगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ठीक, क्यों? क्योंकि इस बार मेरे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री तीन होनी चाहिए हाईएस्ट. ठीक, अब डिग्री तीन है, थ्री डिग्री है, तो इसका मतलब इसके लिए, एक सेकंड, मैसेज किसका आया है? रोहन शर्मा, वॉइस प्रॉब्लम बेटा, आपके एंड पे ही हो रही होगी प्रॉब्लम. ये यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं नेटवर्क, आप इधर उधर कहीं पे शिफ्ट हो जाओ. अच्छा, किसी और को भी प्रॉब्लम है क्या वॉइस की? नो सर. सही आ रही ना? आदर्श, आदर्श ठीक आ रही है आवाज? हाँ भैया. ठीक है, ठीक है. रोहन, नबीना, नबीना ठीक है आवाज? ठीक, म्यूट कर दिया. रोहन बेटा, इधर उधर शिफ्ट हो जाए, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी, वरना आवाज क्लियर है एकदम. देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसलिए इसके तीन जीरोज होंगे. कितने होंगे? तीन. तो देखो, इसके तीन जीरोज क्या क्या मानता हूँ? अल्फा, बीटा, यहाँ तक तो हमने सीखा था क्वाड्रेटिक में, और तीसरा एक और आ जाएगा, कौन? गामा. ठीक, अल्फा, बीटा और गामा, ये इसके तीन जीरोज होंगे. और इस बार रिलेशनशिप भी मेरे सिर्फ दो तरह के नहीं है. क्वाड्रेटिक में तो सिर्फ दो ही तरह के रिलेशनशिप थे, एक था सम ऑफ जीरोज और एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. यहाँ पे रिलेशनशिप तीन तरह के होंगे. पहला जो होगा वो होगा सम ऑफ जीरोज. ठीक, दूसरा होगा सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, कि मैं दो दो का पेयर बना के प्रोडक्ट लेके फिर उनका सम कर देता हूँ. और तीसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की तरफ चलते हैं. जो फर्स्ट मेरा रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ जीरोज. क्या है वो? सम ऑफ जीरोज. तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरोज का सम. इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब. नेगेटिव ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब. तो देखो, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को हम डिनोट करते हैं किससे? बी से. और एक्स क्यूब का कोफिशियंट होता है ए. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. क्लियर? क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए तीन जीरोस, अल्फा, बीटा, गामा, उनका पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? माइनस बी बाय ए. ठीक तुषार? हाँ बेटा तुषार, क्या वो कोई प्रॉब्लम है? सर ये वाला जो आपने बोला अभी गामा वाला, सर ये पता नहीं पढ़ा ही नहीं था मैं, मुझे बुक पढ़ा था. अच्छा नहीं बेटा, उसमें नहीं है वो, उसी के अंदर है वो. सिर्फ अभी तुमने देखा होगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए. अब जो पढ़ रहे हैं हम क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा तो उसके लिए तीन जीरो होंगे, एक तो अल्फा, एक बीटा और तीसरा हम गामा मानते हैं यहाँ पे. ठीक, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है इसके, तुम्हारे आगे मिलेंगे वो वाले क्वेश्चन. तो पहला रिलेशनशिप हो गया मेरा क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. ठीक, अब सेकंड जो रिलेशनशिप है मेरा बेटा, वो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. मैं क्या करता हूँ इसमें? मैं पेयरिंग करता हूँ. भाई तीन जीरोज हैं, अल्फा, बीटा, गामा. अगर मैं पेयरिंग करूँगा तो एक बार अल्फा को बीटा के साथ लूंगा, फिर एक बार बीटा को गामा के साथ में, फिर अल्फा को गामा के साथ में. ठीक, तो देखो पेयरिंग कर दी, और पेयरिंग करने के बाद में क्या करता हूँ? उनका सम कर देता हूँ. तो इसीलिए बोलते हैं इसको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि सम. किसका सम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का. अब वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कैसे? टेकन टू एट अ टाइम, कि दो बार, दो जीरोज मैंने एक बार में लिए, उनका प्रोडक्ट करा और फिर सम कर दिया. तो देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, यानी कि जो प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, वो दो दो का कर रहा हूँ एक बार में, और जो भी पेयर बन के आ रहे हैं फिर उनको ऐड कर दे रहा हूँ. तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा,
ठीक, नया तरह का रिलेशनशिप है थोड़ा सा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं इसको, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक, टेकन टू एट अ टाइम, कि मैं एक बार में दो दो जीरोज लेके उनका प्रोडक्ट करूं और जो पेयर बने उनको सबको ऐड कर दूं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां पर नेगेटिव साइन नहीं है। अब स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो एक्स का कोफिशिएंट हो गया सी और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया ए, तो यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? सी बाय ए। तो दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है, पहली बात क्या याद रखी थी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाय ए। मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल टिप्स पे रटे होने चाहिए तुम्हें, कोई आपसे पूछा तो तुरंत बता दो, ठीक। अगर स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल को क्यूबिक को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से डिनोट करता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू सी बाय ए, ठीक। और जो तीसरा रिलेशनशिप है वो मेरा वही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि तीनों जीरोज का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, ये आ गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या होती है? नेगेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के अंदर कॉन्स्टेंट टर्म डी आ रही है, कौन आ रही है? डी, और एक्स क्यूब का कोफिशियंट कौन है? ए। तो अल्फा प्लस बी सॉरी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस डी बाय ए हो गई। कितनी हो गई? माइनस डी बाय ए। ये है मेरे तीन रिलेशनशिप। फिर से देखो मत, सुन लो मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। अगर हम क्यूबिक पॉलीनोमियल को ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से डिनोट करते हैं और उसके तीन जीरोज अल्फा बीटा और गामा मानते हैं, तो पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ जीरोज, उसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए। दूसरा रिलेशनशिप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसकी वैल्यू होती है सी बाय ए। और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा गामा। हाँ बेटा बोलो क्या हो गया, एक बार रिपीट करने दिया करो, क्या हुआ मनोज? बेटा रेज हैंड कर दिया करो, तुम्हारे साइड में मोर का ऑप्शन आ रहा होगा उस पे जाना, रेज हैंड का ऑप्शन आएगा फिर उसमें उसको क्लिक कर दिया करो, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, पता पड़ जाएगा किसको डाउट है। रेज हैंड कर दो किसी को कोई डाउट है तो। ऐसे फ्लो मत तोड़ यार बीच बीच में। फिर अल्फा बीटा गामा, उसकी वैल्यू होगी क्या? माइनस डी अपॉन ए। रिलेशनशिप याद रखने हैं। फिर वही कहानी जैसे वहां पे हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, जीरोस की हेल्प रिलेशनशिप और फिर उसके बाद में जीरोस की हेल्प से पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना। तो देखो पॉलीनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहां पे एक फॉर्मूला था ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा बीटा, अगर जीरोस फाइंड आउट करने हो। वैसे यहाँ पे भी है, अगर तुम्हारे पास में अल्फा बीटा गामा, याद रखें अल्फा बीटा गामा उत्कर्ष, हाँ क्या हुआ? यार क्या दिक्कत है, देखो ये लिखा हुआ, ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। If alpha, beta and gamma, अगर alpha, beta और gamma क्या है? Be the zeros of a cubic polynomial, क्या है? किसी cubic polynomial के zeros हैं, ठीक? तो px जो polynomial होगा मेरा, वो मैं कैसे find out कर सकता हूँ? ये formula use करना है तुम्हें, x cube minus sum of zeros into x square plus sum of product of zeros into x और minus product of zeros, ठीक। तीन तरह के रिलेशनशिप, जैसे जैसे जिस ऑर्डर में आते हैं वैसे वैसे ही, कि पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है तो पहले वो, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आता है फिर वो, फिर प्रोडक्ट आता है अल्फा बीटा गामा फिर वो। जो वैल्यू नेगेटिव होती है उसके साथ नेगेटिव का साइन, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? सी अपॉन है, लेकिन पॉजिटिव था वो इसलिए यहाँ पॉजिटिव।
अल्फा बीटा गामा क्या था, माइनस डी अपॉन ए, नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, ठीक। और एक्स क्यूब तो है ही डिक्रीजिंग पावर में कि पहले एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर खत्म, ठीक। तो ये भी तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला। अब देखो इसकी हेल्प से क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा पहले एक बार डाउट बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देना। किसी का नहीं है अब डाउट है। मयंक सर ये जो आपने भी पढ़ाया था ना, क्या कौन से वाला? मयंक बोल बेटा। हाँ सर ये जो आपने भी समझाया था ना, कौन सा फॉर्मूला जो था ये? हाँ, पॉलीनोमियल वाला। हाँ, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाला। ये दोबारा बताऊं? ये नहीं आया। अच्छा अच्छा देखो देखो, मेरा वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास में किसी भी पॉलीनोमियल, कैसे पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल के तीन जीरोज हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है ये, ठीक है, कुछ समझने वाली तो बात है ही नहीं, ठीक। तो क्या करोगे इसके लिए, एक फॉर्मूला याद रखोगे, जब मुझे पॉलीनोमियल फॉर्म करना होगा क्या होगा, वो पहले लिख दो एक्स क्यूब, लिख दिया। अब लिखोगे सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसके साथ लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक। नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, यानी कि नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस साइन लगाया है, ठीक। फिर लिखोगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और उसके साथ एक्स लगा दोगे। क्या लगा दो उसके साथ? एक्स। अब साइन पॉजिटिव क्यों लगाया? क्योंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए, पॉजिटिव, इसलिए प्लस साइन लगा दिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, उसके साथ कुछ नहीं लिखना, ये कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेगा, ठीक। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती थी? माइनस डी अपॉन ए, क्या होती थी? माइनस डी अपॉन ए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस साइन लगा दिया। रोहन हाँ बता बेटा क्या हुआ? सर वाले फॉर्मूले को किसी क्वेश्चन में पुट करके दिखा दो। किसको? ये वाला फॉर्मूला? जी ये वाला फॉर्मूला है। हाँ तो करेंगे यार, अभी समझा तो रहा हूँ, पिछली बार नहीं करा, क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने क्वाड्रेटिक का, वैसे ही करेंगे, पढ़ने तो दे आगे आगे, ठीक। ओके सर, बस सबका क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एक एक एग्जांपल के तौर पे, दिक्कत मत लो एग्जांपल की, बस समझो फिलहाल। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है आपके, लिखा है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल px इक्वल्स टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। पॉलीनोमियल गिवन है, बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि ये जो तीन वैल्यूज दे रखी है 3, -1 और -1/3, इसी के जीरोज हैं। क्या कहा? इस पॉलीनोमियल के जीरोज 3, -1, -1/3 मुझे वेरीफाई करने हैं, फाइंड आउट नहीं करने, इस बार दे रखे हैं उसने, वेरीफाई करने हैं। अब देखो किसी भी पॉलीनोमियल का जो जीरो होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की जो उस पूरे के पूरे पॉलीनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो इट मींस अगर मैंने 3 पुट कर दिया अपने पॉलीनोमियल में x की जगह पर और ये सॉल्व करके जीरो आ जाए तो मतलब 3 भी इस पॉलीनोमियल का जीरो है। फिर अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करूं और सॉल्व करके जीरो आ जाए वैल्यू तो भी इसका पॉलीनोमियल का जीरो है वो। अगर x की जगह पे -1/3 पुट करूं और x की जगह पे -1/3 पुट करने के बाद जो px की वैल्यू है वो जीरो आ जाए तो ये भी इसका जीरो है। तो इस बार क्या करना है, वेरीफाई करना है। तुम्हें पता है किसी भी पॉलीनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो जीरो क्या होता है, वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस पॉलीनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे पुट करने के बाद। तो तुम्हें एक एक करके इस पॉलीनोमियल px में x की जगह पे एक बार 3 पुट करोगे, एक बार -1 पुट करोगे और एक बार -1/3 पुट करोगे, ठीक। ये हो गया। अगला काम जो करना है उसमें बोला है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। फिर मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किस किस के बीच में, बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो दोनों काम करेंगे एक एक करके। पहले मैं ये प्रूव कर दूं कि वाकई में ये जीरोज हैं इसके कि नहीं है, ठीक। तो मैंने पोलो में लिखा ये रहा 3x³ - 5x² - 11x - 3। बेटा अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ax³ + bx² + cx + d से
देखो कंपेयर करके ए की वैल्यू आएगी 3 एक्स क्यूब के साथ जो भी लिखा है, बी की वैल्यू आएगी -5 जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, सी की वैल्यू आएगी -11 जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, और डी की वैल्यू आएगी -3 यानी कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है। ए बी सी डी निकाल लिए, इनकी जरूरत पड़ेगी कब, जब मैं रिलेशनशिप वेरीफाई करूंगा। ठीक, अभी पहला काम क्या है मेरा, मनोज शर्मा, हाँ बेटा बता क्या हुआ। ठीक, ये तो बोल मनोज बेटा म्यूट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे हद है यार। बेटा जिसको भी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अपने पास खुद ठीक है, सबके पास वॉइस कट के नहीं जा रही है यार। ठीक है, आप देखो आपके फ़ोन में नेटवर्क सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर फ़ोन में नेटवर्क सही नहीं आ रहे तो मतलब फिर दिक्कत है, कहीं इधर उधर शिफ्ट करके देख लो अपने फ़ोन को, जहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी आती हो। देखो पहले मैं वेरीफाई करूंगा कि ये जो वैल्यूज दे रखी थी 3, क्या ये वाकई में इसके जीरोज हैं कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना, अपने पॉलीनोमियल में एक बार 3 पुट करना है x की जगह पे। जब x की जगह पे 3 पुट करोगे तो हो जाएगा 3 × 3³ माइनस का 5 × 3² -11 × 3 और -3। ठीक है, क्या किया है, जहां जहां पर x था उसकी जगह पे 3 पुट कर दिया। ठीक, अब 3 पुट करने के बाद में जो सोल्व वो की वैल्यू आई वो 0 आ गई, तो इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो 3 वैल्यू थी वो गिवन पॉलीनोमियल का 0 है। अब ऐसे ही एक बार -1 पुट किया पॉलीनोमियल में x की जगह पर, तो जब x की जगह पे -1 पुट किया तो ये भी सोल्व होकर कितना आ गया, 0 आ गया, तो -1 भी इस पॉलीनोमियल का 0 है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इस बार -3 पुट किया, क्या पुट किया, -1/3 x की जगह पे। जब x की जगह पे -1/3 पुट करा तो इसको सोल्व करने के बाद भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, कितनी आएगी, 0। तो देखो जो 3 वैल्यूज मुझे गिवन थी, 3, -1 और -1/3, उसने बोला था कि वेरीफाई करो कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज गिवन पॉलीनोमियल के जीरोस हैं। तो जब पॉलीनोमियल में मैं इनको पुट करूंगा तो आंसर मेरा 0 आना चाहिए, तभी तो वेरीफाई हो पाएगा कि इसी के जीरोस हैं ये। तो एक एक करके पॉलीनोमियल में एक्स की जगह पे एक बार 3 पुट करा, एक बार -1 पुट करा और एक बार -1/3 पुट करा, एक बार 3 पुट किया, एक बार -1 पुट किया और एक बार -1/3 पुट किया, और तीनों ही केस में उन वैल्यूज को पुट करने के बाद 0 आ रहा है रिजल्ट। तो इट मीन्स क्या हुआ, इस पॉलीनोमियल के जो 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा और गामा, वो यही 3 है, कौन कौन, 3, -1 और -1/3। ठीक, अब करते हैं अपना रिलेशनशिप वेरीफाई। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूं मैं, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। ठीक, तो सबसे पहले तो 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा यही होंगे, क्योंकि इनको भी वेरीफाई कर चुका हूं मैं कि ये तीनों ही जीरोज हैं। तो अल्फा की वैल्यू 3 मान ली मैंने, बीटा की वैल्यू -1 मान ली और गामा की वैल्यू -1/3। ठीक, जो गिवन पॉलीनोमियल था उसको स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल ax³ + bx² + cx + d से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 3 आई थी, b की वैल्यू -5 आई थी, c की वैल्यू -11 आई थी और d की वैल्यू -3 आई थी। ठीक, अल्फा बीटा गामा भी आ गए और a b c d भी आ गए। ठीक, अब पहला रिलेशनशिप जो था मेरा वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a। तो अल्फा बीटा गामा की जगह पे वैल्यूज पुट कर ली, अल्फा की जगह पे 3, बीटा की जगह पे -1 और गामा की जगह पे -1/3। फिर यहाँ पर नेगेटिव ऑफ बी, तो बी की वैल्यू कितनी थी, -5 और अपॉन में 3। ठीक, बेटा ये 3 - 1 - 1/3 सोल्व करके आ जाएगा 5/3, और यहाँ भी देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर क्या बच गया, 5/3, मतलब सम ऑफ जीरोज हो गया मेरा वेरीफाइड। ठीक, बिल्कुल वैसे वेरीफाई करना जैसे हमने पहले किए थे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के केस में। अब सेकंड जो वैल्यू है वो है सेकंड वाला रिलेशनशिप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कौन सा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए, कितनी होती है, सी अपॉन ए। तो देखो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 × -1, बीटा इंटू गामा यानी कि -1 × -1/3 और गामा इंटू अल्फा यानी कि -1/3 × 3 इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू कितनी है, -11 और अपॉन में ए, ए की वैल्यू कितनी है, 3।
तो देखो 3 इंटू माइनस वन हो गया माइनस वन, थ्री माइनस वन इंटू माइनस वन बाई थ्री हो गया प्लस वन बाई थ्री, और माइनस वन बाई थ्री इंटू थ्री हो गया माइनस वन. तो इनको जब सोल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा, माइनस इलेवन बाई थ्री आएगा. तो माइनस इलेवन बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस इलेवन बाई थ्री वेरीफाइड. ठीक, क्लियर. यार ड्राइंग मत करा करो, तुम्हारी क्लास में प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं क्यों कर रहे हो. रिमूव कर दूं तुम्हें यहां से, बचपन वाली हरकतें कर रहे हो. देखो नेक्स्ट, तीसरा है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए. यही था रिलेशनशिप जो पढ़ा था हमने, माइनस डी अपॉन ए. तो वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू थ्री, बीटा की वैल्यू माइनस वन, और गामा की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस डी. डी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री, और अपॉन में ए कितना वो भी थ्री. तो यहाँ थ्री से थ्री कैंसिल हुआ, माइनस वन इंटू माइनस वन वन आ गया, और राइट हैंड साइड में भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और थ्री बाई थ्री कितना वन. तो वन इक्वल्स टू वन वेरीफाइड. इस तरीके से वेरीफाई कर लिया. अब देखो क्वेश्चन है, एक तो स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन बताया था तुम्हें, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में अगर तुम्हें सम और प्रोडक्ट दे गिवन है जीरोस का, और उसकी हेल्प से जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है. फिर से सुन लो मैंने क्या कहा, अगर मुझे जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है और उसकी हेल्प से मुझे क्या करना है, अपने पॉलीनोमियल को फाइंड आउट करना है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 वहां से करना क्वेश्चंस को. ठीक, और ये जो मैंने बताया था अभी क्वेश्चन, अभी जो एक्सप्लेन करा है, अगर किसी तीन जीरोस गिवन करके किसी पॉलीनोमियल के जीरोस उनको वेरीफाई करना पहले पुट करके, और फिर उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना. ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है अपनी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1. ना समझ में आए तो ग्रुप पे पूछ लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो तुम्हें करने हैं. ठीक, अब इससे नेक्स्ट क्लास जो होगी वहाँ पे दो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अगर मुझे जीरोस गिवन और उसकी हेल्प से पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना हो, क्यूबिक पॉलीनोमियल, एक तो वो, और दूसरा पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम. अब बता दो एक बार इसको कोई डाउट हो तो आज की क्लास में. है किसी का कोई डाउट? सर? हाँ बेटा बोलो. सर ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करनी है ना? हाँ जी बिल्कुल करनी है. ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना पहला ही, वो कर लेना अभी फिलहाल. जो भी एक क्वेश्चन समझाया था लास्ट वाला मैंने, बिल्कुल उसी की तरह है वो. सर वैसे तो ये चैप्टर खत्म ही हो गया है, अभी डिवीजन एल्गोरिथम बचा है. ठीक है, वो बचा है डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, और सर वो आपने कहा था वो बता दोगे क्या बोलते हैं इजी तरीक करने के, वो स्प्लिटिंग मिडल टर्म और ये जो बेटा उसमें जिंदगी. सुनो उसमें पता क्या करना होता है, उसमें फिर हम ये देखते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है. तो उससे बढ़िया तो आप क्या करो, अगर हो सकता है कि मिले ना मिले, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही करना, वो आसान तरीका है सबसे. मतलब आसान क्या सर, थर्ड लेकिन वैसा क्वेश्चन उसमें है इसी तरीका. हाँ है, बिल्कुल है. ठीक है, ठीक. वैसे वाला क्वेश्चन आएगा नहीं तुम्हारा इसमें, 3 डिग्री वाले में नहीं कहा, 3 डिग्री वाले में बस वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है, जैसा भी मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें. ठीक, और बताओ किसी का कोई डाउट हो तो. रोहन, रोहन कोई डाउट? नो सर. ठीक, उत्कर्ष? उत्कर्ष कोई डाउट? नो सर. ठीक ठीक, रुचि? गुण वर्मा सर, बेटा कोई डाउट? नो सर.
ठीक है फिर मीटिंग एंड कर देता हूँ, इतना काम कर लेना जो तुम्हें बताया है, ठीक है।